बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को इतला हुई होगी कि हाई कोर्ट्स ने हमें आशूर के दिन ताली उठाने की इजाज़त नहीं दी है और दफन करने की इजाज़त भी नहीं मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमें भेज दिया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी हमारे कुछ भाई गए, मैं तो नहीं गया था, लेकिन कुछ भाई हमारे गए, चार लोग गए हाई कोर्ट में भी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आशूर के दिन ताज़िया दफन करने की इजाज़त नहीं दी और सबब वही बयान किया कि कोरोना फैलने का ख़तरा है। लिहाजा हमेशा हमने कोर्ट के फैसले का एहतराम किया, अदालत का एहतराम किया। हमारी कौम जो है ज़ाहिर के एक पढ़ी लिखी समझदार कौम है, कोई भेड़िया दसान नहीं है। लिहाजा गुजारिश यही है कि कल क्योंकि इजाज़त नहीं मिली है, लिहाजा कोर्ट की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है, अदालत की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा अपील हमारी यही है कि कल ताज़िया उठाने की कोशिश ना की जाए, बाहर निकलने की कोशिश ना की जाए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है कि कोई ऐसा तरीका निकल आए कि कोरोना फैलने का भी ख़तरा ना हो और ताज़िया दफन भी हो जाए। इसके लिए हमारी बातचीत, हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन कल के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी है। लिहाजा हमारी अपील ये है कल निकलने की कोशिश ना करें। हाँ, मौला की मसला शायद यही हो कि हम मौला ज़्यादा दिन हमारे यहाँ मेहमान रहें, लिहाजा एक मुकद्दस एक पाक मेहमान अगर ज़्यादा दिन रहेगा तो हो सकता है इससे हमारे और वक़्त में इजाफा ही हो, लिहाजा इसमें परेशानी हो, परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ दिन मौला और मेहमान रहेंगे और इंशाल्लाह जब उनकी मसलहत तो मौका होगा तो इंशाल्लाह वो ताज़िये दफन होंगे। घबराने की, बेसब्रे बने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सब्र से, समझदारी से, पाबंदी से काम लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी।